नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बराक नदी के ऊपर सिंचर बोड़खोला पुल निर्माण को लेकर दो संगठन के बीच चल रही है अंदरूनी लड़ाई। लोगों की मांग और तकनीकी सुविधा को लेकर चल रही है आरोप प्रत्यारोप की अटखेलियां। संस्कृत बोर्ड के इम्तिहान को लेकर बराकाटी के हर एक केंद्र में चल रही है इम्तिहान में नकल की दौड़। तमाशाई बन बैठे हैं केंद्र अधिकारी। संस्कृत शिक्षा बोर्ड पर लग रही है सवाल। बदरपुर क्षेत्र में फूड इंस्पेक्टर पी घोष ने जब्त किया बाहरी राज्य के मछली। सरकारी नीति को अंगूठा दिखाकर चल रही है मछली के व्यवसाय। पूर्त विभाग पर राजनेताओं की अनदेखी के चलते सिलचर कालाइन राष्ट्रीय राजमार्ग तब्दील हो गई है जानलेवा सड़क के रूप में। लोगों में देखी गई क्षोभ की स्थिति। Promoted by ERD Foundation Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University Silchar, offering honors in English, Economics, Political Science, History and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badarpur. नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। बराक नदी के ऊपर सिलचर बोड़खोला पुल निर्माण को लेकर दो संगठन के बीच चल रही है अंदरूनी लड़ाई। लोगों की मांग और तकनीकी सुविधा को लेकर चल रही है आरोप प्रत्यारोप की दौड़। जी हां, यह बोड़खोला क्षेत्र में कुछ लोग जहां बराक नदी के ऊपर नदी बांध बनाने को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, नए पुल बनाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दो गुट बन जाने पर पुल निर्माण कार्य में कुछ अटखेलियां खड़ा हो रही है। सूत्र के अनुसार अन्नपूर्णा घाट बराक ब्रिज डिमांड कमेटी व मधुरा घाट बराक ब्रिज डिमांड कमेटी के कार्यकर्ताओं के बीच इन दिनों अंदरूनी लड़ाई के चलते पुल बनाने की गतिविधि पर सवाल या निशान लग रहा है। सरकार किस क्षेत्र में नए तौर पे पुल बनाने की अनुमोदन प्राप्त करेगी, इस पर भी विचार विमर्श फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि दोनों गुटों के मांग है कि अपने अपने क्षेत्र में बराक नदी के ऊपर सिलचर बोड़खोला संपर्क सेतु बनाया जाए, लेकिन यहाँ आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच ही आपसी कोई तालमेल या संपर्क नहीं है। एक तरफ जहाँ सिलचर दूधपातिल संपर्क गठन किए जाने के उद्देश्य को सामने रख नए ब्रिज बनाए के प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दो गुटों की आपसी लड़ाई से आखिरकार इस क्षेत्र में सवाल या निशान लग रहा है, क्योंकि अन्नपूर्णा घाट बराक ब्रिज डिमांड कमेटी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे अरसे से वे लोग अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में बराक ब्रिज बनाए जाने के लिए मांग करते आ रहे हैं, आंदोलन करते आ रहे हैं, राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष स्मारक लिपि प्रदान करते आ रहे हैं, और इसी दौरान एकाएक मधुरा घाट बराक ब्रिज डिमांड कमेटी के कार्यकर्तागण वही कार्रवाई के जरिए स्मारक लिपि प्रदान किए जाने के साथ साथ आंदोलन, गण आंदोलन, धरना, विक्षोभ कार्यसूची व कई और कार्यक्रम भी आयोजित किए जा चुके हैं। सबसे अहम बात है कि जिस क्षेत्र में बराक घाटी के सनसनीखेज क्षेत्र तथा सुप्राचीन क्षेत्र दूधपातिल में अरसों से एक ब्रिज की मांग रखा जा रहा था, तो इसी दौरान एकाएक सरकार द्वारा इससे कदम उठाए जाने पर सिलचर दूधपातिल सेतु निर्माण कार्य में जो अटखेलियां इन दिनों खड़ा हुई है, इस बात पर लोग चिंतित हैं, क्योंकि दो गुटों की आपसी रंजिश के चलते कहीं सरकारी परियोजना ठप न पड़ जाए। हालांकि राज्य व केंद्र सरकार इस संदर्भ में मुद्दे को प्राधान्यता देते हुए जल्द से जल्द एक ब्रिज बनाने के प्रयास में जुटा हुआ है, तो इसी दौरान अन्नपूर्णा घाट बराक ब्रिज डिमांड कमेटी के कार्यकर्ताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और जल्द से जल्द अन्नपूर्णा घाट से लेकर मधुरा घाट के बीच किसी भी क्षेत्र में ब्रिज बनाने का मांग भी रखा। हमारा अन्नपूर्णा घाटे बराक नदी ऊपर ब्रिज दीर्घ 25 वर्ष तक आंदोलन कर আমরা যে ডিমান্ড আজকে 30 বছর থেকে আমাদের মধুরা ঘাটে বরাক ব্রিজ ডিমান্ডের যে কথাটা আমরা বলে আসছি, বিভিন্নভাবে আমরা আন্দোলন করেছি, সময়ে সময়ে স্থানীয় এমএলএ, এমপি, মন্ত্রী এদের কাছে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি। সেটা অতদিন হওয়ার পরেও এই ব্রিজ এখন পর্যন্ত স্যাংশন হয় নাই এবং ওরা একটা টেকনিক্যাল কমিটি ওদের নিজস্ব মর্জি মতে একটা অন্য রিপোর্ট দিয়েছেন। এবং প্রত্যেকে আমাদেরকে দীর্ঘদিন থেকে আশ্বাস দিচ্ছেন
যে সেটা করবেন, কিন্তু আজ অবধি সেটা হয়নি। কিন্তু বর্তমানে শোনা যাচ্ছে মাননীয় বিধায়ক, বড়তলার বিধায়ক কিশোরনাথের প্রচেষ্টায় এই ব্রিজ নাকি বরাক নদীর উপর হবে। যেহেতু অবজেকশন আছে, ওইখানে কোনো ধরনের, ওই সাইডে কোনো ধরনের ব্রিজ বানার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। তবে স্থানটি এখনো নির্ধারিত হয়নি। তবে আমরা প্রথম থেকে দাবি করে আসছি অন্নপূর্ণা ঘাটে বরাক নদীর উপর ব্রিজের জন্য। যদি মদুরা ঘাটের পয়েন্ট ছাড়া, মদুরা ঘাটের আশপাশ ছাড়া কোনো জায়গায় বরাক ব্রিজ স্যাংশন করা হয়, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে। গতবার আমরা 15,000 লোক নিয়ে এখানে আন্দোলন করেছিলাম, এবার আমরা 15,000 থেকে 4 ডাবল লোক, 30,000, 40,000, 50,000 লোক নিয়ে আমরা এখানে বিরাট বড় আন্দোলন সৃষ্টি করব। কিন্তু আমরা আজ সনাতন কল্যাণ সংঘ বৃহত্তর স্বার্থে যদি প্রয়োজন হয় ইটকলাঘাট বা তার আশপাশে, যদি টেকনিক্যালি সব দিক ঠিক থাকে, ইটকলাঘাট বা তার আশপাশে যদি ব্রিজ হয় আমাদের কোনো আপত্তি নেই। এখানে উল্লেখ করে যে মদুরাঘাটের কিছু দুষ্টচক্র এবং কিছু শহরের মানুষ মালুগ্রাম এলাকার, তারা বিভিন্নভাবে মালুগ্রাম এলাকার কিছু লোক তারা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে যে মদুরাঘাটে ব্রিজ হওয়ার জন্য। কিন্তু আপনারা সবাই জানেন মদুরাঘাটে ব্রিজ হতে পারে না। যখন এই আন্দোলন হবে, পুরো শিলচর শহরের যত যানজটের ব্যবস্থা আছে, যত রাস্তাঘাট আছে, সমস্ত রাস্তাঘাট সেই দিন বন্ধ হয়ে যাবে। সেই ধরনের আমরা 40-50,000 লোক, আমরা দুধপাতিল থেকে, বৃহত্তর দুধপাতিল থেকে যখন আসব, যে আন্দোলনটা হবে, সেই আন্দোলন যদি করার ব্যবস্থা করতেই হয় আমাদের, তাহলে সম্পূর্ণ এটার জন্য দায়ী থাকবেন আমাদের এই ডিসি মহোদয় এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। সেই কথা আমরা পরিষ্কার দিয়ে বলে দিয়ে এসেছি, যদি এই ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় তাহলে আমরা কিন্তু পিছিয়ে থেমে থাকব না। দ্বিতীয়ত, আপনারা সবাই জানেন যে মদুরা ঘাটের যে মিলিত হয়েছে এখানকার একটি উপনদী মদুরা নদী, এবং ব্রিজ মেনুয়ালে এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে কোনো জায়গায় যখন ব্রিজ হবে তখন তার আশপাশে যদি কোনো উপনদী এসে থাকে তাহলে সেখানে কোনো অবস্থায় ব্রিজ হতে পারে না। যে কিশোরনাথ মহাশয়ের প্ররোচনায় কিশোরনাথ মহাশয় আমাদের এখানে গেছিলেন সুটদুৎপাতিলে, গিয়ে উনি বলে দিয়ে এসেছিলেন যে এইখানের মদুরাঘাটে ব্রিজের পক্ষে উনি আছেন, কিন্তু কাগজে পত্রে এবং ডিপিআর তৈরির জন্য উনি যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন অন্নপূর্ণা ঘাটে, সেটার আমরা বিরাটভাবে আমরা প্রতিবাদ জানাই। তৃতীয়ত, আপনারা সবাই জানেন, সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আমি বলছি, মদুরাঘাট থেকে প্রায় 200 মিটার উপরে করাতি গ্রাম তাকে বলা হয়, সেখানে একটি ব্রিজ হয়েছে, অলরেডি কমপ্লিটেড, শুধু অ্যাপ্রোচ বাকি রয়েছে। এই ব্রিজটি কার জন্য করা হয়েছে? এই ব্রিজটি আজকে যারা মদুরাঘাটে ব্রিজ চাচ্ছে তাদের জন্য এই ব্রিজ করা হচ্ছে। যেমন ছোটো দুধপাতিল বা দুধপাতিলের নাম তারা উল্লেখ করছে, আমরা জানি দুধপাতিল এলাকার মানুষরা বেশি তাদের সাপোর্ট করছে না, বিশেষ করে ছোটো দুধপাতিল, তাদের সুবিধার জন্য ওই ব্রিজটি করা হয়েছে। তো তাদের যখন একটি ব্রিজ আছে, তো 200 মিটার নিচে আবার বরাক নদীর আরেকটি ব্রিজের কী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আমরা দেখতে বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় এটা একটা রাজনৈতিক চক্রান্ত, এবং সেই চক্রান্তকারীরা চাচ্ছে যে এটা নিয়ে রাজনীতি করতে, যাতে কোনো জায়গায় ব্রিজ না হয়। এবং সেই প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা এখানে বলে দিয়ে এসেছি যে 30-40,000 লোক নিয়ে আমরা যখন আন্দোলন করব, কোনো কিশোরনাথ তো থাকবেন না, কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও থাকবে না, তখন যা ঘটনা ঘটবে সমস্ত জিনিসের জন্য দায়ী এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ডিসি মহোদয় থাকবেন। আরও যেগুলো দুধপাতিল ক্লাব, পূর্ব বড়কলা উন্নয়ন পরিষদ, এই মদরপুর মাসিমপুর সমাজ উন্নয়ন পরিষদ, বৃহত্তর বড়কলা উন্নয়ন পরিষদ, এই ধরনের বিভিন্ন সংগঠনের একই দাবি ছিল যে অন্নপূর্ণা ঘাটে একটা বরাক ব্রিজ হোক। সেই সময় থেকেই বড়কলার এই দুধপাতিলের পূর্ব প্রান্তের ছোট দুধপাতিল জিপি এবং তার পাশের জিপির একটা দাবি ছিল যে মদুরার উপর একটা ব্রিজ দিয়ে তাদেরকে যোগাযোগের সুব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। সেই সূত্রে আমাদের সরকার 10 বছর আগে ব্রিজ বানিয়ে দিয়েছে ওদের, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের সচেষ্টতার অভাবে অ্যাপ্রোচ হচ্ছে না। বর্তমানে আমাদের যে পুরো বড়কলার দাবি অন্নপূর্ণা ব্রিজ, এই অন্নপূর্ণা ঘাটের বরাক ব্রিজের জন্য অনেকে রাজনীতি করে কেন্দ্রের মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছেন,
কিন্তু বাস্তবে কোনো কাজ করেন নাই। তারা প্রত্যেকটা বছর গুটেলেই ব্রিজের কথা বলেন, কিন্তু বর্তমান বিধায়ক আমাদের গড়ের ছেলে কর্মবীর বিধায়ক কিশোরনাথ অত্যন্ত সচেষ্টভাবে নিজস্বভাবে প্রচেষ্টা নিয়ে স্বল্প দিনের মধ্যে এই ব্রিজেসকে বাস্তবে রূপ দিতে চলেছেন। তা দেখে যারা যে রাজনীতি করে, যাদের শহরে বাসা কিন্তু হয়তো ছোটো দুধপাতিল বা কোনো এলাকায় তারা জমি কিনে রেখেছে, এই জমি দিয়ে যাতে ব্যবসা করতে পারে বা বড়কলাকে ডেভেলপ না করে যাতে বুকা বানিয়ে বুটের রাজনীতি করতে পারে, তার জন্য তারা আদৌ এই বরাকের উপর কোনো ব্রিজ চায় না। তারা চায় না কিশোরনাথের মাধ্যমে একটা ব্রিজ হোক, তাই অযথা হঠাৎ উড়ে এসে তারা একটা ব্রিজ থাকা অবস্থায়ও কিনারে আবার এসে একটা ব্রিজ দাবি করছে, যেটা টেকনিক্যালি কোনোভাবে সাপোর্ট করা যায় না। একটা নদীর উপশাখা, আমরা জানি মদুরা হচ্ছে বরাক নদীর উপনদী, উপনদী যেখানে এসে নেমেছে সেখানে কোনো অবস্থায় টেকনিক্যালি ব্রিজ হয় না, সেই অবস্থায় এই ঘাটে ব্রিজ দাবি করে বসে তারা একটা জমি মানে এই ব্রিজের স্থানের বিবাদ দেখাচ্ছে। কিন্তু আদৌ বড়কলাবাসীর বরাক ব্রিজের স্থান নিয়ে কোনো বিবাদ নেই, এবং যে দাবি ছিল একটাই দাবি ছিল অন্নপূর্ণা ঘাট, এবং পরবর্তীতে পাশে আমরা অন্নপূর্ণা ঘাট থেকে মজুমদার বাজার বলেও একটা দাবি উঠেছিল। আমরা উভয় পক্ষ এখন আমরা রাজি যে যদি টেকনিক্যালি এটা ফিট হয়, ফিজিবিলিটি যদি ইটকলা ঘাটে দেখা দেয়, ইটকলা ঘাটে ব্রিজ হোক, আমরা ব্রিজ চাই। আমরা কোনো চক্রান্তকে আমরা বরদাস্ত করবো না, আমরা প্রয়োজনে আন্দোলনে নামবো, আমরা গণতান্ত্রিকভাবে যে ব্যবস্থা নিতে হয় আমরা নিতে প্রস্তুত। শহরে বসে আর বড়কলাকে নিয়ে রাজনীতি করতে আমরা দেব না, এবং কিশোরনাথের হাতের মধ্য দিয়ে এই বরাক ব্রিজ অতি সত্বর বাস্তবায়ন হোক, এটাই আমরা চাই, এটাই আমাদের দাবি। बराघाटी के करीमगंज जिले में वन विभाग के कार्यकर्ताओं को अंधेरे में रख कुछ दुष्कृतिकारी लकड़ी के कारे व्यापार में जुट गए हैं। विभिन्न पहाड़ी क्षेत्र में जहां बेशकीमती सेगुन की लकड़ी तथा उसके पेड़ काटकर बहिराज्य तथा कई और क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वन विभाग के कार्यकर्ताओं की आंखों में धूल झुक कर कुछ समाज विरोधी तत्व इन गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। राजमार्ग में खुलेआम सेगुन की लकड़ी तथा सेगुन के पेड़ काटकर कई क्षेत्र में प्रचार किए जा रहे हैं। इस प्रचार कांड में जिस तरीके से दुष्कृतिकारी जुड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर वन विभाग के कार्यकर्ताओं के साथ कोई संपर्क नहीं है। फिलहाल जल्द से जल्द इस क्षेत्र में वन विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई कर इन अपराधियों को धर दबोचने के लिए आम जनता ने अपील किया है। सूत्र के अनुसार त्रिपुरा राज्य में करीमगंज जिले के विभिन्न क्षेत्र से सेगुन व बेशकीमती लकड़ी सरबराह की जाती है। जिला वन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए लोगों ने मांग रखा है। করিমগঞ্জ ফরেস্টের নাকের ডোকা দিয়ে প্রতিদিন এভাবেই চলে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকার কাজ, তারা এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এইগুলো যাবে একটা কাঠের নিচে, সেখানে এইগুলো চিরালাকি হিসাবে বেরিয়ে আসছে, কিন্তু এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এর এই দুর্নীতি কখনোই মেনে নেওয়া যাবে না। বর্তমান পরিবর্তনের সরকার, এই পরিবর্তনকারী সরকার এই ভিডিওর পর কী ব্যবস্থা নেয় এটাই দেখার। नकलबाजी के चलते शर्मसार हुआ संस्कृति बोर्ड के संस्कृत इम्तिहान, कैमरा में कैद हुआ नकलबाजों का शर्मसार दृश्य। संस्कृत इम्तिहान के पहले दिन ही इम्तिहान केंद्र में किए गए स्ट्रिंग ऑपरेशन में उजागर हुआ संस्कृत इम्तिहान के नाम पर चल रहे कई सनसनीखेज तथ्य। करीमगंज जिले के बुबरीघाट क्षेत्र में स्थित एम ए चौधरी मेमोरियल हाई स्कूल में 17 जुलाई से शुरू हुआ है संस्कृत डोल का अधीन मध्यमा व शास्त्री इम्तिहान, प्रवेशिका इम्तिहान भी इसमें शामिल है। इम्तिहान केंद्र में कुल 384 विद्यार्थी संस्कृत इम्तिहान में बैठे हैं। इन विद्यार्थियों से नकल के सुविधा प्रदान के नाम पर आर्थिक लेन देन किए जाने के भी लोग आरोप लगा रहे हैं। विद्यार्थियों से प्राप्त किए गए तथ्य के अनुसार हर एक से 5,000 से 8,000 रुपये तक रिश्वत लिया गया। रिश्वत लेन देन के इस खुलासे में भाजपा सरकार के उन्नयनमूलक कायदे पर तथा उनके वायदे पर कई सवालिया निशान उठ रहे हैं। कई क्षेत्र में कई सवाल उछाले जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि भाजपा सरकार के सत्ता में आज भी रिश्वत को लेकर फर्जी शिक्षक बनाने के सिंडिकेट राज्य के बराघाटी सहित उत्तर पूर्वांचल में चल रही है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार शिक्षा विभाग में हो रहे रिश्वतखोरी के सिंडिकेट के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि संस्कृत इम्तिहान के नाम पर हर साल केंद्र के आधिकारिक तथा जिस क्षेत्र में अनुमोदित केंद्र रहता है उस क्षेत्र में कार्यकर्तागण लाखों रुपए ऐंठते हैं, छात्र छात्राओं से रिश्वत लेते हैं, उन्हें नकल की सुविधा प्रदान करते हैं। कुछ ऐसे ही वारदात देखने को मिला इस क्षेत्र में। मोबाइल के साथ साथ
खुलेआम किताब लेकर छात्र छात्राओं को संस्कृत इम्तिहान में नकल कर संस्कृत के पंडित बनते देखे गए। राज्य में केंद्र सरकार के कड़े निर्देश के बावजूद बराक घाटी सहित उत्तर पूर्वांचल के विभिन्न बाजारों में बही राज्य से आए मछली विक्रय जोनों पर चल रही है। इसके खिलाफ कई क्षेत्र में कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन खाद्य विभाग के विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ता ने अभियान चलाकर बदरपुर क्षेत्र से कुछ बही राज्य के मछलियों को जब्त किया व नदी तटवर्ती क्षेत्र में जमीन के नीचे गाड़ कर उन्हें विनष्ट किया। सूत्र के अनुसार पी घोष ने इस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए कुछ मछलियों को जब्त कर नदी तटवर्ती क्षेत्र में मिट्टी के नीचे दबा डाला और व्यवसायियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में उतराए। बाद में बरागवार्ता के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। सिलचर कलाई राष्ट्रीय राजमार्ग के संस्कार के मांग पर आर्थिक अनुमोदन होने के बाद भी विधायक अमर चांद जैन की भूमिका को लेकर लोग गहरा क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं। पूर्त विभाग की भूमिका पर भी लोगों ने नाराजगी का दौर देखने को मिल रही है। प्रभावित लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में सरकारी अनुमोदन के बाद भी सिलचर कलाई राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते अक्सर दुर्घटना की वारदात हो रहे हैं। प्रभावित लोग इस संदर्भ में गहरा क्षोभ भी व्यक्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से सिलचर कलाई राष्ट्रीय राजमार्ग बेहाल होने पर अक्सर इस रूट पर वाहन दुर्घटना होकर कई लोग मारे भी जा चुके हैं। जल्द से जल्द इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण व संस्कार किए जाने के लिए पूर्त विभाग तथा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं के प्रति प्रभावित लोगों ने अपील भी किए हैं। सिलचर के मेहरपुर हैदरागांधी रोड घुंगूर तथा आसपास के क्षेत्र में बिजली ग्राहकों की बिजली विभाग की ओर से गैर जिम्मेदाराना तौर पर 8,000-10,000 रुपए की बिजली बिल महीने में भेजे जाने पर क्षुब्ध लोगों ने मेहरपुर बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव किया। इलाके में जाने माने युवा समाजकर्मी प्रभाल दत्ता के नेतृत्व व दूसरे कई लोगों के सहयोग से आयोजित इस घेराव कार्यसूची के दौरान ग्राहकों के सवालों का सही जवाब देने में बिजली विभाग के कार्यकर्तागण नाकामयाब रहे। आखिरकार सही मीटर रीडिंग के जरिए बिल दाखिल करने का आश्वासन मिलने पर बिजली विभाग के घेराव कार्यक्रम को वापस ले लिया गया। बिजली विभाग ने बिजली विभाग के कुछ कार्यकर्ताओं पर इस संदर्भ में आरोप भी लगाया और बाद में आश्वासन मिलने पर कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय को घेराव मुक्त भी किया। युवा भाजपा के सदस्य राजा सूद द्वारा गैर जिम्मेदाराना तौर पर सांसद सुष्मिता देव के खिलाफ फेसबुक में अश्लील शब्द इस्तेमाल किए जाने पर कछार असेंबली यूथ कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है और इस संदर्भ में राजासुर के खिलाफ सिलचर सदर थाने में FIR भी दर्ज किया गया है। उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का मांग भी कर रहे हैं। इस मामले को लेकर सिलचर सदर थाने में कछार असेंबली यूथ कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने FIR दर्ज कर जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तारी किए जाने का मांग भी रखा है। তাই না আপনি তাই না ফেসবুকে গিয়ে আপনারাও সার্চ করে দেখতে পারবেন যে কোনো একটা পার্টি নিয়ে বায়াস, ঠিক আছে, এটা উঠাইতে পারবেন। এই জায়গায় লেখা কমিউনিটি শক্তিশালী বিজেপি শক্তিশালী ভারত জয় মোদি রাজ। তো আমরা দেখছি যে আমরা কাছাড় জেলার একজন আমার মাননীয় সাংসদ সুস্মিতা দেব মহাশয় তাই না সর্বভারতীয় স্তরে যেভাবে নেতৃত্ব দেয় তার যে বড় বড় কাজগুলো করে যে আমরা বোরাকের বা আমরা কাছাড় জেলার যে অত বড় একটা সুনাম হল যে ভারতে গোটা ভারতবর্ষ সর্বভারতীয় স্তরে যে নেতৃত্ব দেয় এটার বিষয় নিয়ে তিলমিলাই গেছে যে সরকার যে সরকার পার্টি শাসক দল শাসক দলের আমি কইতে পারি যে এটা একটা ষড়যন্ত্র যে এটা বায়াস মানুষকে দিয়া তারা তারা ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করে আমরা মাননীয় MP-র এটা যে সুনামটা এটা বদনাম করার চেষ্টা করে আর এটা আমি আমার যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাই আর কাছাড় পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে এটা আমরা দাবি যে অতি সত্বর ছেলেটারে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক গ্রেফতার করা হোক এর দাবিতে আমরা আজকে এই জায়গায় আমরা সদর থানায় আসি। বিগতকালকে আমরা একটা ফেসবুক পোস্ট পাই আমরা সিলচারের MP-র এগেনস্টে একটা উন্মুক্ত যুবক যেভাবে মানে MP-র এগেনস্টে আনকনস্টিটিউশনালভাবে কমেন্টগুলো করছে এটার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আইনটা হাতে না নিয়ে আইনের দ্বারস্থ হয়েছি আজকে সিলচার যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। আজকে আমরা ওসি সাহেবের লোকে দেখা করছি যে এই ধরনের অসাংবিধানিক কথাবার্তা যাতে কোনো মাননীয় সাংসদ বা মাননীয় বিধায়কের এগেনস্টে না হয় এবং এটাকে প্রিভেন্ট করতে লাগে যেভাবে এই সমাজে বিদ্বেষমূলক মানে বক্তব্যের মাধ্যমে যাতে কোনো রকমভাবে আইনের বিরুদ্ধে কোনো আচরণ না হয় তার দিকে আইনের সাপেক্ষে আমরা আজকে দ্বারস্থ হয়েছি এবং আমরা চেষ্টা করবো যাতে আইনের কাছ থেকে উপযুক্তভাবে আমরা
দাবিটা আদায় করে নিতে পারি, তাহলে আমরা আজকে ওসিরে দেখা করছি এবং একটু পরে আমরা এসপি সাহেবের কাছেও দেখা করার জন্য। ছেলেটার নাম হলো রাজা সুর এবং সে এমপি এগেনস্টে, রাজা সুর এমপি এগেনস্টে কুরুচিকর মন্তব্য করছে। এমপির কালকে একটা র্যালি আসলো, মহিলা আক্রোশ র্যালি, উমেন্স রিজার্ভেশন বিল নিয়ে, এবং এটার বিরুদ্ধে সে মানে খুব অসংবিধানিক কথাবার্তা, এটা আমি মিডিয়ার বাইরের সামনে আমি তুলে ধরতে পারলাম না। একটা কুরুচিকর মন্তব্য করছে এবং এটা একটা বায়াস মন্তব্য আর কি। এটার লিগে আমরা মানে সাইবার অ্যাক্টের এগেনস্টে, সাইবার অ্যাক্টের ব্যাপারে আমরা গিয়ে এটা পুলিশের কাছে দ্বারস্থ দিলাম। समाचारों के अगले चरण में आने वाले 25 जुलाई से 28 जुलाई तक सिलचर के राधा माधव कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उद्योग से कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। सिलचर शाखा संपादिका सुचरिता राय, प्रांत सभापति एवं सिलचर शाखा वर्ग व्यवस्था प्रमुख माननीय रतन कुमार दास के सहित दूसरे दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में इस दिन संवाददाता सम्मेलन के जरिए विस्तारित तथ्य भी उजागर किए गए। कछार पुलिस ने खुफिया सूत्र के आधार पर उग्रवादी संगठन जेलियांग रांग यूनाइटेड फ्रंट के कार्यकर्ताओं के एक वरिष्ठ सदस्य को धर दबोचा है। ऑडिटर जनरल नजुलोकबे बी 3M नाम के एक उग्रवादी को उधारबंद पातीचोड़ा चाय बागान के मैनेजर से 10 लाख रुपए की आर्थिक मांग करने के आरोप में कछार पुलिस ने गिरफ्तार किया। एडिशनल SP VB राकेश रेड्डी ने केस नंबर 186/18/507/387/511 IPC धारा के तहत उन्हें गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक के पास से 2 मोबाइल, कुछ कागजात व कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। एक बार फिर से बड़ा घाटी में फिरौती की मांग तथा अपराधियों की पैसे वसूलने की वारदात देखने को मिल रही है। कछा जिला आबकारी विभाग के कार्यकर्ताओं ने दूधपातिल, सिलचर व कई क्षेत्र में खुफिया अभियान चलाकर अवैध शराब विक्रय से जुड़े 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुल 70 बोतल विदेशी शराब तथा 10 लीटर स्थानीय शराब जब्त किया गया है। इस संदर्भ में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दूधपातिल क्षेत्र में अवैध शराब, जुए के व्यापार व नशे जैसे व्यवसाय होने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति है। गौरतलब है कि ड्रग्स, शराब व दूसरे नशीले सामानों के साथ साथ जुए की लत दूधपातिल क्षेत्र के विभिन्न इलाके में लोगों को लग गई है और लोग ऐसे असामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस व्यापार को लेकर मालूग्राम पुलिस भी अनदेखी कर रही है। इस बात पर दूधपातिल क्षेत्र के लोगों के बीच गहरा दुखद माहौल है। आबकारी विभाग जहां इस क्षेत्र में जानकारी हासिल कर धावा बोलकर अवैध शराब व वारदात से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, तो वही दूसरी ओर मालूग्राम पुलिस की भूमिका पर लोग शक जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि मालूग्राम पुलिस जानबूझकर अवैध शराब भट्टी व जुए के अड्डों पर धावा नहीं बोल रहा, क्योंकि अंदरूनी सांठगांठ के चलते मालूग्राम पुलिस के ऊपर कई लोग आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। 17 जुलाई को आसाम इंडिजिनियस पीपुल्स प्रोटेक्शन कमेटी के उद्योग से कछार के जिला उपायुक्त के जरिए प्रतीक हजारिका को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। स्मारक लिपि में कई समुदाय के लोगों को न्यायिक सामाजिक सुरक्षा व NRC सूची में नाम अंतर्भुक्तिकरण व सुरक्षा प्रदान किए जाने पर अलग पात किया गया है। इस दिन के स्मारक लिपि प्रदान कार्यक्रम में कछार देव परिषद, कछार मुस्लिम जनगोष्ठी, माइनॉरिटी मुस्लिम मेंबर्स ऑफ कछार डिस्ट्रिक्ट, नाथ योगी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, मणिपुरी मुस्लिम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, असम बराक वैली पाटनी परिषद, मणिपुरी यूथ फ्रंट असम, माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी सत्ता कई संगठन के ओर से यह स्मारक लिपि प्रदान किया गया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य उजागर करते हुए कहा कि NRC सूची वास्तवायन के दौरान राज्य व केंद्र सरकार कई क्षेत्र में इनके साथ असंवैधानिक तौर पर परेशानी खड़ा कर रहा है। जल्द से जल्द सुरक्षा तथा न्याय की गुहार लगाते हुए संस्थान कार्यकर्ताओं ने NRC मुद्दे को जल्द से जल्द संशोधन कर न्यायिक इंसाफ दिए जाने की मांग किए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्थान कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। लामनी रेलवे गेट संलग्न क्षेत्र में एक अग्नि की वारदात में एक स्कूटी जलकर राख हो गया। सूत्र के अनुसार AS09B5204 नंबर के यह स्कूटी उस क्षेत्र में रखा हुआ था। एकाएक अग्निकांड के चलते घर बार के साथ साथ स्कूटी भी आग में स्वाहा हो गया। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर।
बराक नदी के ऊपर सिलचर बड़खोला पुल निर्माण को लेकर दो संगठन के बीच चल रही है अंदरूनी लड़ाई। लोगों की मांग और तकनीकी सुविधा को लेकर चल रही है आरोप प्रत्यारोप की अटखेलियां। संस्कृत बोर्ड के इम्तिहान को लेकर बराकाटी के हर एक केंद्र में चल रही है इम्तिहान में नकल की दौड़। तमाशा ही बन बैठे हैं केंद्र अधिकारी। संस्कृत शिक्षा बोर्ड पर लग रही है सवाल। बदरपुर क्षेत्र में फूड इंस्पेक्टर पी घोष ने जब्त किया बाहरी राज्य के मछली। सरकारी निदेश को अंगूठा दिखाकर चल रही है मछली की व्यवसाय। पूर्त विभाग पर राजनेताओं की अनदेखी के चलते सिलचर कालाइन राष्ट्रीय राजमार्ग तब्दील हो रही है जानलेवा सड़क के रूप में। लोगों में देखी गई क्षोभ की स्थिति। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।